नमस्कार, आप देख रहे हैं दशहरा को विजय दशमी या दशहरी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म का त्यौहार है। जरूरी दशमी त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय को बताता है। दशहरा पर कुछ पेड़ों की पूजा करना शुभ माना जाता है और बताया जाता है कि अगर दशहरे के बाद अगर इन पेड़ों की पूजा की जाए तो वो काफी शुभ है और जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के साथ विजय भी होती है। पुराणों में दशहरे पर कौन से पेड़ों की पूजा करना शुभ माना यह ही जानते हैं। का पेड़ पुराणों में पेड़ों की पूजन का जिक्र मिलता है। कुछ पेड़ धार्मिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और शनि भी पेड़ भी ऐसे ही पेड़ों में आता है। पौराणिक मान्यताओं में शनि का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। लंका पर विजयी पाने के लिए श्री राम ने शनि पूजन किया था। नवरात्रि में भी माँ दुर्गा का पूजन शनि वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही शनि बहुत प्रिय है। मान्यता है कि दशहरे के दिन अगर शनि के पेड़ की पूजा की जाए तो वो काफी शुभ होता है। साथ ही साथ दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है और घर में सुख संपत्ति आती है। शमी का वृक्ष घर के ईशान कोण में लगाना लाभकारी माना गया है। घर में शमी की पेड़ की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा की थाल तैयार करें और शमी के पेड़ की जड़ में पानी चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ पर मौली बांधे, रोली चावल हल्दी लगाए, अगरबत्ती जलाए, पेड़ की आरती करे, प्रसाद और नारियल चढ़ाने के बाद पेड़ के आगे सिर झुकाए परिक्रमा करें। दशहरे के दिन अपराजिता के पेड़ या उसके फूलों की पूजा करना भी काफी शुभ है। अपराजिता पेड़ या फूल को देवी अपराजिता का रूप माना जाता है। अपराजिता की पूजा करने का सबसे अच्छा समय हिंदू विभाजन के अनुसार अपराह समय है। जीत के लिए देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने राक्षस रावण को हराने के लिए लंका जाने से एक दिन पहले विजयदशमी पर देवी अपराजिता की पूजा की थी। कोई भी यात्रा करने से पहले देवी अपराजिता की पूजा की जाती है क्योंकि उनका आशीर्वाद यात्रा के उद्देश्यों को पूरा करने और यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद करता है।